हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको फ़ोनपे मर्चेंट अकाउंट का प्रोफाइल सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि यहां से आप अपना बिजनेस नेम, एड्रेस, कैटेगरी वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको पहले अपनी फ़ोनपे मर्चेंट अकाउंट में जाना है। जैसे कि मैं अपना फ़ोनपे मर्चेंट अकाउंट में आ चुका हूँ। आने के बाद गाइस यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ अपनी प्रोफाइल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक है मैनेज स्टाम्प एंड रोल। आपका अगर बिजनेस कोई बड़ा बिजनेस है, आपके नीचे कोई स्टाम्प लोग हैं, तो उस इस बिजनेस अकाउंट को आपका स्टाम्प भी ये यूज कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, मैंने स्टाम्प का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस के सिंबल पे क्लिक करके आप अपना का स्टाम्प रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके नीचे जो स्टाम्प है, जो स्टाम्प लोग काम कर रहे हैं, उनका नाम नंबर वगैरह यहाँ पे आपको लिखना है, उनका नाम यहाँ पे ऊपर लिखना है। और यहाँ पे सिलेक्ट रोल, यानी कि आप उसे एजेंट बनाना चाहते हैं, फिन ओपीएस या फिर मैनेजर या फिर एजेंट प्लस, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एजेंट जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको जो जो रखना है यहाँ पे सिलेक्ट करके अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये रखने के बाद आपको इनवाइट यूज़र करना है। उसके मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल आईडी में उसको इनवाइट जाएगा, इनवाइट लिंक जाएगा, उसी लिंक से उसके मोबाइल में आपको फ़ोनपे मर्चेंट अकाउंट इंस्टॉल करवाना है। तो उसके मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद जो मर्चेंट अकाउंट आपका है, उसके मोबाइल में भी नोटिफिकेशन जाएगा। जो पैसा आपको आपके फ़ोनपे मर्चेंट अकाउंट में रिसीव होगा, वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में भी जाएगा। और आपके जो यहाँ पे जो मैनेजर रखे हो, आप एजेंट रखे हो, उसके मोबाइल में भी वो मैसेज जाएगा। तो इसका काम ये है, आपके नीचे कोई दो चार स्टाम्प है तो आप अपने हिसाब से अपनी फ़ोनपे मर्चेंट अकाउंट में भी स्टाम्प रख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपका नीचे और एक ऑप्शन है बिजनेस डिटेल्स। तो यहाँ पे आप अपना बिजनेस नेम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा है चंचला कलेक्शन। तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन करके आप अपने हिसाब से एडिट करके यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आपका सिटी, पिन कोड, स्टेट और कंट्री, एड्रेस वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे एडिट करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी का ऑप्शन दिया है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.